Hi everyone and welcome to the 5 Paisa IPO series. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Fed Bank Financial Services Limited के IPO के बारे में. कंपनी एक रिटेल फोकस्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जिसको फेडरल बैंक प्रमोट करता है. इस वीडियो में कंपनी के ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे अलॉन्ग विद दी IPO सिनॉप्सिस. तो अगर आपको इस IPO के बारे में सारी जानकारी चाहिए जिससे कि आप इससे रिलेटेड एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं IPO सिनॉप्सिस के बारे में. इस IPO का इशू ओपन होगा 22 नवंबर को और 24 नवंबर को ये क्लोज हो रहा है. IPO की टोटल वर्थ है 1092 करोड़ रुपीस, जिसमें से फ्रेश इशू है 600 करोड़ का और एक OFS भी है 492 करोड़ का. लॉट साइज है 107 शेयर्स पर लॉट, 133 टू 140 रुपीस पर शेयर प्राइस बैंड है. शेयर्स अलॉट होंगे 30 नवंबर को और लिस्टिंग डेट है 5 दिसंबर की. इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड, BNP Paribas, Equirus Capital Private Limited एंड JM Financial Limited. इस इशू के थ्रू कंपनी अपने फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स मीट करना चाहती है. चलिए कंपनी की फंक्शनिंग में एक डीप डाइव करते हैं. फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक NBFC है जिसका प्रमोटर है फेडरल बैंक लिमिटेड. इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सेकेंड और थर्ड लोएस्ट है अमंग द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, गोल्ड लोन एंड MSME एंड गोल्ड लोन पीयर सेट इन इंडिया इन FY 2023. कंपनी का थर्ड फास्टेस्ट AUM ग्रोथ है विद अ केगर ऑफ 33% बिटवीन FY 2020 एंड FY 2023. अकाउंटिंग फॉर द जून क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर द AUM ग्रोथ स्टैंड्स एट 42%. कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है लेकिन इनकी प्रेजेंस 136 डिस्ट्रिक्ट्स में है इन 17 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज थ्रू 584 ब्रांचेस. इंडस्ट्री पर नजर डालते हैं. FY 2022 में सिस्टमिक क्रेडिट 8.6% से बढ़ा था एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर टू रीच अप्रोक्सीमेटली 165 trillion रुपीज. रिटेल क्रेडिट टू इंडिविजुअल्स 30 trillion रुपीज इन FY 2018 से 60 trillion रुपीज इन FY 2023 तक बढ़ा था एंड इट कॉन्स्टिट्यूटेड 32% ऑफ टोटल सिस्टेमिक क्रेडिट इन इंडिया. ये एक्सपेक्टेड है कि ये 14-15% से बढ़ेगा बिटवीन फिस्कल 2023 एंड 2025. लास्टली NBFC क्रेडिट इज लाइकली टू ग्रो एट 12-14% बिटवीन FY 2023 एंड 2025. अब नजर डालते हैं फाइनेंशियल्स पर. The revenue from operations was reported at 1,178.80 crore rupees for FY23 against 869.31 crore rupees in FY22 and 691.82 crore rupees in FY21, up by 35.60% in 1 year and 70.39% in 2 years. EBITDA amounted to 757.04 crore rupees for FY23 against 523.55 crore rupees in FY22 and 417.38 crore rupees in FY21, up by 44.60% in 1 year and 81.38% in 2 years. PAT was marked at 180.13 crore rupees for FY23 against 103.45 crore rupees in FY22 and 61.68 crore rupees in FY21, up by 74.12% in 1 year and 192.04% in 2 years. Total assets for FY23 were reported at 9,070.99 crore rupees against 6,555.70 crore rupees in FY22 and 5,466.30 crore rupees in FY21, up by 38.37% in 1 year and 65.94% in 2 years. Share capital for FY23 was reported at 321.91 crore rupees against 321.51 crore rupees in FY22 and 289.92 crore rupees in FY21, up by 0.12% in 1 year and 11.03% in 2 years. Total liabilities for FY23 were reported at 7,715.30 crore rupees against 5,402.18 crore rupees in FY22 and 4,631.57 crore rupees in FY21, up by 42.82% in 1 year and 66.58% in 2 years. इस सेक्शन में कंपनी की स्ट्रेंथ्स और इससे रिलेटेड कुछ रिस्क के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले स्ट्रेंथ्स पर नजर डालते हैं. इनकी प्रेजेंस अनपेनिट्रेटेड मार्केट्स में है विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल. इनका जो बिजनेस मॉडल है वो ग्रोथ इंश्योर करता है अक्रॉस इकोनॉमिक साइकिल्स. ये रिटेल लोन प्रोडक्ट्स पर फोकस करते हैं और इनके पास स्ट्रॉन्ग अंडरराइटिंग कैपेबिलिटी है. इनका फंडिंग प्रोफाइल काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है. चलिए अब रिस्क पर नज़र डालते हैं. फंडिंग की सोर्स में कुछ डिसरप्शन हुआ तो ये बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है. अगर कोलैटरल या डिफॉल्टेड लोन की वैल्यू नहीं रिकवर हुई तो ये भी बिजनेस को अफेक्ट करेगा. सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स और MSME लोन्स की काफ़ी कॉन्सेंट्रेशन है इनके पास.
आरबीआई बिजनेस को पीरियोडिकली इंस्पेक्ट भी करता है। कंपनी ने पास में नेगेटिव कैश फ्लोज भी रिपोर्ट किए हैं। एंड लास्टली, इफ द कंपनी इज अनएबल टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द लोन पोर्टफोलियो, इट मे रिजल्ट इन सिग्निफिकेंटली लार्जर एनपीएस एंड प्रोविजंस। चलिए, मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। वी होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू इस आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।